अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका आरजे आरजे जाहिद जमीन। आज डिजिटल एंटरटेनमेंट की जानिब से, और जैसे कि आपको पता है कि हमारा बड़ा खूबसूरत सा एक प्रोग्राम होता है, और उस प्रोग्राम का नाम होता है जी हाँ आज के मेहमान। और हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमान मौजूद होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई जो है वो बड़े कारनामे और कारकर्दगी दिखाई होती है। तो आज हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद हैं, और यकीनन हम आपको उनसे मुलाकात करवाएंगे और उनकी हालत ज़िंदगी के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में, जो उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे जो वाक़यात और नशेब व फराज उनकी ज़िंदगी में आए, तो यकीनन हम उनसे जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अली नवाज़ राजपूत भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा, अली नवाज़ राजपूत साहब जो कि हैं एक इदारे के रूह रवा, एक इदारे के CEO, और वो इदारा जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राह नेकी सोशल वेलफेयर के नाम से इनका एक इदारा है जो कि गरीब और मिस्कीन लोगों की मदद करता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप अली भाई? अच्छा अली नवाज़ भाई, आपको अली कहते हैं या अली नवाज़ भाई कहते हैं? अली नवाज़, अली नवाज़ पूरा कहते हैं आपको। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम का नाम है आज के मेहमान, तो आज आप हमारे आज के मेहमान हैं। वेरी गुड। अच्छा, मैं साथ में आपसे कुछ सवाल हैं हमारे पास। हम चाहते हैं कि लोग, हमारे जो व्यूवर सामने देख रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो मुझे काइंडली ये बताएंगे कि आपने सोशल वर्क जो है वो कब से शुरू किया है? ये मैंने 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। अच्छा, नाज़रीन काम कर रहा हूँ मैं। जी जी, ठीक है। मतलब जो गरीबों के जो अतीम बच्ची हैं उनके लिए, जो अतीम बेवा बच्चे हैं उनके लिए, गरीबों के लिए कफन दफन का फ्री में कर रहे हैं हम। एक महम जो है वो कहे, कुछ आदमी जो है लेडीज़ राशन के लिए आए थे, तो हमने उनको बोला कि तेरी अलग से लेके ए तक मैं करूँगा। जी जी। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वो दोनों फैमिली मुसलमान हो गई। अच्छा, माशाल्लाह। और आज वो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, और आज अल्लाह ने चाहे तो वो दीन भी पढ़ रहे हैं, और अपनी मतलब दीन से निकल के, मतलब फैमिली से भी निकल के दूर चले गए, माशाल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि अभी आपने सुना, अली नवाज़ साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ये मज़हब और रंगो फिरके की तफरका ना करते हुए जो है लोगों की मदद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, राह नेकी करते हैं ये। और इन्होंने एक ऐसी फैमिली की मदद की जो नॉन मुस्लिम थी, और इन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि अभी जैसे लॉकडाउन का सारा सिलसिला रहा है, इसमें आपने लोगों को राशन भी दिए। अच्छा, फिर वो थी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो गई। ये बहुत माशाल्लाह एक बहुत जबरदस्त कारनामा पढ़ रहे हैं इस टाइम, वो बहुत बड़ा कारनामा है नाज़रीन का। इतना के मेरे को दुनिया में सबसे बड़ी जो है मतलब जो काम है जो उनको मैंने फैमिली को मुसलमान करा, और वो जो दीन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस जगह में पढ़ रहे हैं उस जगह में अल्लाह ताला देख रहा है कितना खुश है, और आवाम भी जिसने भी देखा था उसमें भी खुश है। इसमें भी मेरे को पार्टी वालों ने ब्लैकमेल करा। जी जी। कि आपने ये मुसलमान करे, इनकी तस्वीरें दे दें। जी जी। मैंने बोला मैंने मतलब जो कानून के तौर जो है मैं इनकी तस्वीर, मतलब आपकी जान के पीछे पड़ गए थे। जी। नाज़रीन, की जान के पीछे पड़ गए थे लोग। और मैं ये जहाँ तक समझता हूँ कि राह नेकी में अगर इंसान की जान भी चली जाए तो वो शहादत का जो है वो रुतबा पाते हैं। जी फरमाइए आगे। तो फिर वाके बाद मैंने गरीब उनके सोचा कि अस्पताल एक बनाने की मैं करूँ, मैंने हुकूमत से मंजूर करवाई, हुकूमत से जगह मंजूर करवाई। फिर वाके बाद कुछ मेहमान, चंद शमीम भाई था, कुछ अपने सरकारी मुलाजिम थे, इन्होंने करा। फिर मेरे को अब्दुल्ला मोड़ से मतलब जिन्होंने पूरी मीटिंग करके इन्होंने मेरे को अगवा भी करवाया गया। अच्छा जी। 1,20,000 रुपये लिए थे मेरे से, अलाटमेंट 5 थे वो लिए हैं मेरे से। तो वहाँ के बाद भुट्टू चौक पे मेरे को फिर बेहाल में 11 दिन में बेहोशी में मेरे को छोड़ के गए। जी जी। तो अच्छा, मेहरबानी है गरीबन की दुआ से मैं बचा हूँ, और हर गरीब मेरे के लिए गिरजा में भी, मस्जिद में भी, हर जगह दुआ करवाई गई। अली नवाज़ भाई, बहुत अच्छी बात, और बात समझ में आ गई। बात यह कि आपने राह नेकी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, और जिसका अजर जो है वो आपको परवरदिगार ही दे सकता है इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, मैं एक बात आपसे ये जानना चाहूँगा, मैं छोटा सा बात जानने से पहले ब्रेक लूँगा, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया हमारा। वैसे मेरा दिल नहीं चाह रहा ब्रेक लेने का, आपसे बात बहुत अच्छी चल रही है। तो नाज़रीन रहिएगा हमारे साथ, प्रोग्राम है आज के मेहमान, आज हैं अली नवाज़। बहुत शुक्रिया।
के गिरने की क्या जरूरत है, पूरे ही होंगे। जरा आप मुझे बता सकती हैं कि हंस पर मैरिज ब्यूरो का दफ्तर किधर कहाँ मिलेगा? और आप भी तो अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते थे। देखिए मैडम, हमें प्यार प्यार करना नहीं आता। हम तो अच्छे ही रिश्तों पर बिलीव करते हैं। तुम दोनों को आपने अकेला ही छोड़ दिया? इसने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? बस इससे तंग करना शुरू ही किया था कि बस आप आए। पापा, आपने इनमें क्या देखकर शादी की? मैंने इनके अंदर दो चीजें देखी हैं, एक तो इनके इनकम और दूसरे इनके दिन कम। पाकिस्तान में चुप करा। वेलकम बैक, और एक दफ़ा फिर आपको आरजे जाहिद जमीन की जानिब से वेलकम कहा जाता है प्रोग्राम आज के मेहमान में। और जैसे कि आपको पता है, आज अली नवाज साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा अली भाई, आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही हैं माशाल्लाह से, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने राह नेकी ही नाम क्यों रखा? नाम तो बहुत सारे होते हैं, और अली नवाज वेलफेयर भी आप रख सकते थे, लेकिन आपने राह नेकी नाम रखा है, तो उसकी कोई वजह होगी? वो ये वजह थी सर, हर कोई अपने बाप के नाम पे, कोई बेटा के नाम पे, कोई बेटी के नाम पे रखता था। जी जी। तो जब एक अगर नेकी करनी है और नेकी के रास्ते पे चलना है, तो वो किसी के नाम से नहीं रखो। जी जी। ठीक है, वो ना बेटा कैसे, ना बेटी, ना बाप, ना किसी के नाम से नहीं रखो। ठीक है, वो मतलब वो नाम रखो कि जो जिसमें पब्लिक भी खुश, अल्लाह भी खुश। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मुझे पता है आपके बड़े लंबे लंबे जवाब होंगे। अच्छा मैं ये जानना चाहूंगा कि इस नेक काम में माशाल्लाह आप तो कर ही रहे हैं, मस्जिद में भी हर जगह दुआ करवाई गई। अली नवाज भाई, बहुत अच्छी बात, और बात समझ में आ गई। बात ये कि आपने राह नेकी के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, और जिसका अजर जो है वो आपको परवरदिगार ही दे सकता है इंशाल्लाह जरूर। अच्छा मैं एक बात आपसे ये जानना चाहूंगा, मैं छोटा सा बात जानने से पहले ब्रेक लूंगा, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया।